आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी, सही खबर सबके लिए। जी हां, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन तमाम को बताऊंगा, इस वक्त महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के नाला सुपारा में मौजूद है, जहां पर हमसे बातचीत करने के लिए एक फ्रूट व्यापारी हैं। उनके साथ धोखाधड़ी हुआ और जिसकी वजह से काफी वो परेशान नजर आए, उनका वक्त बर्बाद हुआ। इस वक्त वो जन जागृति फाउंडेशन की हेड ऑफिस के अंदर बैठे हैं। तमाम दर्शकों को हम डायरेक्ट उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उनके साथ क्या दिक्कत आई है। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि आप पहले अपना परिचय दें, अपना नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं। नमस्कार, मैं अहमदनगर श्रीगोंदा तालुके से मामूल परे बोल रहा है। मैंने जो व्यापारी को माल दिया है नाला सोपारा, वो अनार उसको ठहरा के दिया था, वो 90,000 वो उसको दिया था, 87,800 रुपये में। तो उसने मेरे को लोकेशन डाल के इधर माल मंगवाया और बाद में वो बोला वो दूसरी गाड़ी में मेरा माल क्रशिंग करके लिया और बोला पेमेंट देता है। मेरे गाड़ी में बैठ के वो एक बाजू के गली में आया, वो बोला मैं घर से पैसा लेके आता है आपको देता है। और जो गया फोन उठाता था, 5 मिनट में आया, 10 मिनट आया, 15 मिनट में आया, आ रहा है मैं तुम रुको। 2 बज के रात के 6 मिनट में उसने मेरे को लास्ट कॉल किया, उसने बोला जिधर अपना गाड़ी क्रॉसिंग किया था उधर तुम आ जाओ, पैसा लेके जाओ। मैं बोला ठीक है चलेगा। मैं उधर गया तो आधा घंटा रुका, 1 घंटा रुका, उसने मोबाइल बंद करके आया नहीं। बाद में रात को मैंने उधर ढूंढा उसको, गाड़ी को ढूंढा, वो नहीं मिली। सुबह मैंने पुलिस स्टेशन अपना कंप्लेंट किया तो उस साहब ने, प्रशासन ने आपका पूरा सहयोग किया, पूरा सहयोग किया और 15 घंटे में वो जो मुजरिम था उसको पकड़ लिया और मेरे को माल मिल गया। लेकिन माल का कंडीशन खराब हो गया थोड़ा बहुत, उसका अभी आधा तो नुकसान आएगा उसमें, अभी थोड़ा बहुत माल मिल गया मेरे को। तो आपको ड्राइवर जो आपकी गाड़ी लेके आए थे उसी गाड़ी में जो है माल मिल गया या गाड़ी चेंज है या किस तरीके से? नहीं, वही गाड़ी है जो माल वो गाड़ी में लेके गया था, गोडवान पे खाली गया, लेकिन वो ड्राइवर को जो पकड़ा ना तो उसकी गाड़ी में वो गोडवान से माल लेके आ गए। यानी कि इसमें आपको माल तो मिला, लेकिन यही है कि वो डिले होने की वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से और जन जागृति फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट आफाक खान की तरफ से कैसा सहयोग मिला? मेरे को प्रशासन का और फाउंडेशन का बहुत बहुत मार्गदर्शन मिला, उन्होंने बहुत सहकार्य किया। फोन किया तो तुरंत सब लोग मेरे पास आते थे, इसलिए मेरे को थोड़ा जो बोलते हैं ना कठिन का सामना कम पड़ गया फाउंडेशन और प्रशासन की वजह से थोड़ा। चलिए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, यहाँ के प्रशासन ने अपनी चुस्ती दिखाई और मुजरिम को तुरंत पकड़ लिया। तो मैं तमाम दर्शकों से ये कहूँगा कि अगर आपके आसपास भी किसी तरह की घटना दुर्घटना है तो तुरंत डीबीएस टीवी को बताइए, हमारी टीम आप तक पहुँचेगी, आपकी सहायता करने की कोशिश करेगी। डीबीएस टीवी को आप देखते रहिए, इसलिए कि इसका काम है सही और सत्य खबर दिखाना। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ऐसे लोगों से सावधान रहा जा सके जो लोगों के साथ गलत करते हैं, फ्रॉड करते हैं। कैमरामैन आशीष चौधरी के साथ पालघर महाराष्ट्र से मैं मेंबर करती।